हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम एक बार फिर से जनरल अवेयरनेस का नया टॉपिक लेकर आए हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से विटामिन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे केमिकल नेम पूछा जाए, चाहे डिफिशेंसी डिजीज पूछा जाए, आप आराम से बता दोगे। और साथ ही साथ आपके साथ हम डिस्कस करने वाले आज की वीडियो में स्टेट या फिर यूटी बोल लो और उनके कैपिटल, और स्टेट और कैपिटल की ट्रिक्स भी आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको याद करने में ईजी रहे, क्योंकि पूरे पूरे चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अगर डायरेक्टली जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में क्वेश्चन नहीं आता तो हो सकता है जो आपका रीजनिंग का एनालॉगी वाला चैप्टर है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, और ये सब कुछ मेरी कज़िन ने लिखा हुआ है। अगर कुछ आपको समझ आता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं समझ आता तो रहने दो, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं विटामिन्स के बारे में और उनके जो भी केमिकल नेम है और साथ में जो उनके डेफिशिएंसी डिजीज हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं। जैसे हम बात करें विटामिन ए की बात करें, देखो सबसे एक सीक्वेंस में याद रखना, विटामिन ए बी सी डी ई और के एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं। कैसे सीक्वेंस चल रही है यहाँ पर? ए बी सी डी ई, ई के बाद एफ नहीं है, ई के बाद के आ रहा है। पहले यहाँ तक समझ लो, उसके बाद बाकी के जो विटामिन से हम वो समझ लेंगे। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट करूंगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, फिर विटामिन के, यहाँ तक याद रखना। अब हम पहले समझते हैं इनके केमिकल नाम क्या हैं, फिर हम इनके ट्रिक्स देखेंगे। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन बी की बात करें थायमाइन है। विटामिन सी की बात करें एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी की बात करें कैल्सिफिरोल। विटामिन ई की बात करें टोकोफिरोल। और विटामिन के की बात करें फिलोक्विनोन, इसका केमिकल नाम है। ये आपको केमिकल नाम समझ आ गए। अब आपका जब एग्जाम होगा ना, एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि विटामिन ए का पूछा जाएगा केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, तीन चार ऑप्शन वहाँ पर रहेंगे, आपको एक ऑप्शन बताना होगा। तो ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप आराम से आंसर को टिक कर पाओगे, जो भी सही आंसर होगा। बाकी आपने तो डायरेक्टली याद ही कर लेने, वो कैसे? देखो छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा, दो तरीके आप जैसे मर्जी करो, जैसे आपको ठीक लगेगा। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें विटामिन ए की बात करें, रेटिनोल आपको देखने को मिल रहा है, रेटिनोल है। विटामिन बी में, विटामिन बी में थायमाइन देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ रेटिनोल की, तो ठीक है, रेटिनोल में क्या आप बना सकते हो? आर ए से आप रिजल्ट बना सकते हो और टी आई एन ओ से आप तीनों बना सकते हो। मतलब विटामिन ए में हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट आया था तीनों सब्जेक्ट का। विटामिन ए की मैंने क्या बात की कि रिजल्ट आया है तीनों सब्जेक्ट का। तो जब आप देखोगे विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, आप देखना कि रिजल्ट तीनों सब्जेक्ट का आया था। मेरे सबसे पहले हमने बात यही की थी कि तीन सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट तीनों सब्जेक्ट का मुझे ए में देखने को मिल रहा है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो गया? रिजल्ट आया तीनों सब्जेक्ट का। विटामिन बी की बात करते हैं, थायमाइन है ना, तो थाय से आप थे और माइन से मतलब माइन मतलब मेरे, तो रिजल्ट क्या आया था? रिजल्ट आया था तीनों सब्जेक्ट का। अब वो तीनों सब्जेक्ट थे किसके? वो तीनों सब्जेक्ट थे मेरे, तो विटामिन बी आ गया। एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। हमने कैसे स्टार्ट किया? रिजल्ट आया तीनों सब्जेक्ट का विटामिन ए, रिजल्ट थे किसके? थे मेरे, थे रिजल्ट मेरे, तो वो हो गया विटामिन बी, यानी कि बी वन की बात करें। अब सीक्वेंस में चलना है। अब मैंने क्या कहा, ऐसा रिजल्ट आया कार भी मिली बाइक में मिली, ए ऐसे आप बना सकते हो, ऐसा रिजल्ट आया यहाँ पे कार भी दिख रहा है बाइक भी दिख रहा है। तो फिर से सीक्वेंस में चलते हैं। क्या कहा गया है? रिजल्ट आया था तीनों सब्जेक्ट का, थे मेरे, तीनों सब्जेक्ट थे मेरे, और ऐसा रिजल्ट आया था कि कार भी मिली बाइक भी मिली, तीन तो आपको समझ आ गए। उसके बाद क्या हुआ, विटामिन डी की बात करें, कैल्सी भी मिला, मतलब ऐसा रिजल्ट आया था मुझे कैलकुलेटर भी मिला। समझ रहे ना कहानी कैसे हम बना रहे हैं? कहा गया रिजल्ट आया तीनों सब्जेक्ट का, थे मेरे, ऐसे रिजल्ट आया कार भी मिली बाइक भी मिली कैल्सियम भी मिला। प्रॉपर सीक्वेंस हम अरेंज कर रहे हैं। आगे चलते हैं, फिर क्या गया टोकोफिरोल। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं टोक्यो चला गया, फिर मैं घूमने फिरने के लिए टोक्यो चला गया। क्या हो गया? रिजल्ट आया तीनों सब्जेक्ट थे मेरे, ऐसे रिजल्ट आया कार भी मिली बाइक भी मिली कैल्सियम भी मिला, इतना सब कुछ हो गया। मैं टोक्यो चले गया घूमने के लिए, टोक्यो में चला गया था फिर घूमने के लिए, समझ गए। फिर आगे विटामिन के की बात करें, तो वहाँ पर जाकर मैंने सबको एक ही चीज़ समझाई, मैंने सबको क्या कहा कि फिजिक्स लो, फिजिक्स लो इन वन लाइन में। आप सभी को यही कहूँगा कि फिजिक्स लो वो बेटर रहेगा। फिर से ध्यान से समझना क्या कहा गया है। कहा गया कि रिजल्ट आया था तीनों सब्जेक्ट का, थे मेरे सब्जेक्ट, ऐसा रिजल्ट आया कार भी मिली बाइक भी मिला कैल्सी भी मिला, मतलब कैलकुलेटर भी मिल गया। फिर मैं टोक्यो चला गया और वहाँ पे कहा फिजिक्स लो सभी को एक लाइन में, मैं यही बोलना चाहूँगा, इतना समझ आ गया। एक तो ये तरीका है, ऐसे आप समझ सकते हो। अगर आप सिंपल बाय वर्ड समझना चाहते हो, पहले लेटर से समझना चाहते हो, वो आपको ईजी लगता है, तो कैसे कर सकते हो? यहाँ पर पहला वर्ड आर है, फिर यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे टी, तो कैसे बोल सकते हो? देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई और के इस सीक्वेंस में विटामिन चल रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, इस सीक्वेंस का समझ आ गया। तो यहाँ पर देखो आप ऐसे यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक आप यूज करते हो रट्टा,
एक आप यूज़ कर तो रट्टा मारो और सीटी भी मारो, रट्टा भी मारो सीटी भी मारो, इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो रट्टा मारो मतलब क्या हुआ, आ से रेटिनोल, टी से थायमाइन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, सी से कैल्सिफिरोल, टी से टोकोफिरोल। इस तरह से आप रट्टा भी मारो सीटी भी मारो इस ट्रिक से भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना, बट काम क्या है करना जरूर। विटामिन और कैपिटल जो विटामिन बता रहा हूँ, इनकी जो डेफिशिएंसी डिजीज बता रहा हूँ, इनको करना अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक आपको सारे समझ आ गए विटामिन कौन से हैं, उनके केमिकल नाम क्या हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब ये भी हमारे पास विटामिन होते हैं जिनको जनरली स्किप किया जाता है, बट ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन B2, B1 तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, अब B2 हम डिस्कस करेंगे, फिर B3 डिस्कस करेंगे, फिर B5 और B7। अब कैसे समझोगे, विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसका नाम क्या है, निकोटिनामाइड, इसे नियासिन भी कहते हैं। ये क्या है, पेंटोथेटिक एसिड, और ये क्या है, बायोटिन। अब ये कैसे याद रखना है, केमिकल नेम की ट्रिक आप समझो जिससे आप याद रख सकते हो। विटामिन B2 की बात करें, B2 से आप क्या बना सकते हो, B2 से बिट्टू बना सकते हो। ये क्या है, बिट्टू है ना, बिट्टू, B2 का मतलब क्या है, बिट्टू। तो बिट्टू की जो रिब है ना, बिट्टू की जो रिब है वो ऑफ हो गई, मतलब बिट्टू की रिब जो है खराब हो गई, इस तरह से आप समझ सकते हो। बिट्टू क्या हुआ था, बिट्टू की रिब ऑफ हो गई थी, बिट्टू की रिब खराब हो गई थी, हमने विटामिन B2 का नाम समझ लिया। आगे B3 की बात करें तो क्या हुआ, बिट्टू की रिब ऑफ हो गई थी। क्यों हो गई थी ऑफ, क्योंकि बिट्टू जो है वो 3 बार निकोटिन यूज़ करता था, बिट्टू जो है 3 बार निकोटिन यूज़ करता था, और 5 बार, B5 है ना 5, तो 5 बार क्या हुआ, उसकी पैंट में एसिड गिर गया था, बिट्टू की पैंट में 5 बार एसिड गिर गया था, ऐसे भी समझ सकते हो। और विटामिन B7 की बात करें तो 7 बार बायो पड़ता था, 7 बार दिन में वो बायो पड़ता था, क्योंकि बायो डिफिकल्ट थी, ऐसे भी आप समझ सकते हो। बिट्टू की रिब ऑफ हो गई थी, 3 बार निकोटिन लेता था, 5 बार उसकी पैंट में एसिड गिर गया था, और 7 बार दिन में वो बायो पड़ा करता था। इस तरीके से जैसे भी मैंने ट्रिक्स वगैरह बनाई अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, इनको बस मेन मोटो ये है कि आप इनको याद करो। अब ये तो अगर विटामिन कौन से होते हैं, उनका केमिकल नेम क्या है, ये सब आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पर समझेंगे इनकी डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज़ होती है। जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी, विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, विटामिन सी की कमी हो जाएगी, उसके कारण कौन सी आपको डिजीज़ वगैरह होता है और कैसे उसको क्योर कर सकते हो, वो तो अलग चीज़ है, बट हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ देखना है। अगर हम विटामिन ए की बात करें, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ रहती है, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, इसका मतलब क्या हुआ, विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए को पूरा करना पड़ेगा। बट याद कैसे करना, हमने वो कैसे याद करना है, वो देखो, ए है ना, ए के कारण क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो गई, तो कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। मान के चलो क्या हुआ, एक लड़का था, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो अपने आईसाइट चेक करवाने के लिए जाता है, जो ऑप्टिकल क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके पास जाता है अपने आईसाइट चेक करवाने के लिए। तो वहाँ पे लिखा होता है ना, बड़ा बड़ा ए बी सी लिखा होता है, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, सबसे ऊपर ए लिखा होता है, तो उस लड़के को तो वो ए ही नहीं दिखता है, उस लड़के को वो ए ही नहीं दिखता, तो डॉक्टर बोले तू तो अंधा है, तुझे तो ए ही नहीं दिख रहा, तो अंधा, तू यहाँ पर क्या करने आया है। तो जिसको ए ही नहीं दिख रहा तो वो ब्लाइंड होगा ना, जिसको ए ही नहीं दिख रहा वो ब्लाइंड होगा। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसे आप समझ सकते हो। जिसको ए ही नहीं दिखा वो ब्लाइंड हो गया। विटामिन बी की बात करें, बी से बैरी बैरी पड़ता ना, बी से बैरी बैरी पड़ रहा है, तो विटामिन बी का बैरी बैरी हो गया। सी की बात करें, स्कर्वी होता है, स्कर्वी मतलब जो गम्स वगैरह स्वेल कर जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्कर्वी वगैरह। तो देखो, सी से कर्वी बन रहे ना, सी से कर्वी बन रहे, तो कर्वी का स्कर्वी बना सकते हो। विटामिन डी की बात करें, डी से होता है रिकेट्स, जो बच्चों की बोन्स वगैरह वीक हो जाते हैं ना, वो रिकेट्स हम उसको बोलते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, वो होती है रिकेट्स। कैसे याद रख सकते हो, डी से आप बना सकते हो, दो मुझे दो टिकट चाहिए, आर को हटा के टी लगा दो, मुझे दो टिकट चाहिए, तो आप ऐसे डी का रिकेट बना सकते हो, टिकट बना सकते हो। ए की बात करें, ई से होता है लेस फर्टिलिटी, इसकी ट्रिक आप मुझे बताओगे। आगे चलते हैं, के की बात करें, के की डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आपका क्लॉट वगैरह नहीं बना पाता ब्लड, क्यों, विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी डिजीज़ है। तो देखो, के से क्लॉट बनता ना, के से आप क्लॉट भी बना सकते हो, के से आप क्लॉट भी बना सकते हो, तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कौन सा हो गया, के वाला हो गया। अब यहाँ पे B2 से साथ स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमने पहले इनके केमिकल नेम अलग से पढ़े थे ना, अब इनकी डेफिशिएंसी डिजीज अलग से पढ़ लेते हैं। B2 की हमने बात की, अब यहाँ पे देखो, अगर B2 की कमी हो गई तो स्किन जो क्रैक होती है ना, या टंग वगैरह की बात करो, आंखें रेडिश पड़ जाती हैं, वो विटामिन B2 की कमी होगी, तभी सब कुछ होता है। विटामिन B3 की कमी होगी तो क्या होगा, आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, मेंटली रिटार्डनेस वगैरह रहती है। विटामिन B5 की कमी तो होगी, क्या होगा, 4D सिंड्रोम हो जाएगा। विटामिन B7 की कमी होगी तो क्या होगा, जो बॉडी में पेन होता है, हेयर फॉल वगैरह होता है, जिनको भी हेयर फॉल होता है ना, उनको विटामिन B7 जो रिकमेंड की जाती है, उसके टैबलेट दिए जाते हैं खाने के लिए, कि हाँ ये खाओ, सब कुछ पूरा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब देखो, कैसे याद रख सकते हो, B2 की बात करें, B2 के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कि B2 की जब हमने बात की थी, हमने कहा था B2 की रिब ऑफ हो गई थी ना, बेचारे की रिब तो ऑफ हुई थी, साथ में उसकी स्किन भी क्रैक हो गई थी, आंखें भी लाल हो गई थी, ये B2 का हाल था, ठीक है।
B3 की बात करें तो B3 में क्या था, वो 3 बार निकोटिन लेता था ना, और 3 बार निकोटिन लेने की वजह से उसके जो बाल थे वो सफ़ेद हो गए थे। B5 की बात करें तो B5 है ना, 5 अलग को क्या हुआ, 5 अलग को 4D सिंड्रोम हो गया। 5 था, 5 का 4 बन गया, 5 अलग को 4D सिंड्रोम हो गया। और 7 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, जिनको भी हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनमें विटामिन B7 की कमी होती है। ये थे कुछ विटामिन, उनके केमिकल नेम और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज। उम्मीद आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, सब कुछ आपके सामने लिखा है, अपने हिसाब से इनके ट्रिक्स वगैरह बना लो। अगर ट्रिक्स नहीं बनाना चाहते हो तो 4-5 बार इनको दिन में पढ़ो, फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा से पढ़ना, 1 हफ्ते के बाद दोबारा से पढ़ना, ऐसे करते जाना, सब कुछ याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेट, यूटी या फिर उनकी कैपिटल। ये हालांकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, बट जिनको नहीं आता उनके आगे काम का सेशन रहने वाला है, कुछ ट्रिक्स भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हम स्टेट की बात कर लेते हैं, गोवा की बात करें, गोवा की कैपिटल क्या है, गोवा की कैपिटल है पनाजी। अब यहाँ पर कैसे याद रखना है, आपको 4 ऑप्शंस तो मिलेंगे, बट कैसे याद रखना है, आपको कहा गया कि गोवा चलते हैं, आपको कहा गया गोवा चलते हैं, आपने कहा ना जी ना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ खर्चा बड़ा पड़ता है, तो आपने कहा ना जी हमने वहाँ पर नहीं जाना, तो गोवा की कैपिटल में क्या आ रहा है, ना जी आ रहा है, हमने वहाँ पर नहीं जाना, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो, ऑप्शंस मिलेंगे तो अगले बेटर रहेगा। गुजरात की बात करते हैं, जिसे गुजरात जिसे गांधीनगर, ऐसे याद रख सकते हो, या फिर हमने हिस्ट्री में डांडी मार्च के बारे में पढ़ा था, वो भी गुजरात वाली साइड में होता है ना, अहमदाबाद वाली साइड में, तो वैसे भी याद रख सकते हो। तमिलनाडु, तमिलनाडु को चेन्नई है, तो कैसे बना सकते हो, तमिल का तुम बना सकते हो, तुम तमिल का टाइम है इसका, तुम बना सकते हो, तो कहा गया तुम मिले, तमिल में आ गया तुम मिले तो चैन आ गया, आपने गाना सुना होगा तुम मिले तो चैन आ गया, तो यहाँ से तमिलनाडु के चेन्नई बना सकते हो। आगे चलते हैं, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, कैसे बना सकते हो, सिक्किम का आप सिक्के बना सकते हो ना, और गंगटोक में आप गंगा देख रहे हो, तो गंगा में देखते हो आप, अगर आप वहाँ पे गए हो कभी तो आपने देखो गंगा में सिक्के वगैरह फेंके जाते हैं, तो सिक्के कहाँ पे फेंके जाते हैं, सिक्के वगैरह गंगा में फेंके जाते हैं, तो सिक्किम की कैपिटल क्या होगी, गंगटोक होगी। आगे बात करते हैं त्रिपुरा की कैपिटल क्या होगी, अगरतला होगी। कैसे याद रखोगे, अगर आप कभी ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, कहीं जाने का ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हो, तो एक काम करना, अपने घर में ताला लगा के जाना, कहीं का ट्रिप प्लान किया है तो घर में ताला लगा के जाना, इस तरह से आप याद रख सकते हो त्रिपुरा को, ठीक है। आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। तो हम यहाँ पे किसी अरुण के बारे में बात कर रहे हैं, अरुण कोई पागल हो गया था, वो चले जा रहा था और पूरे नगर में ईटा, ईटा मतलब ईंटों को बोलते ना, ईंटा भी फेंके जा रहा था, इस तरह से कर सकते हो। असम की कैपिटल क्या है, असम की है दिसपुर। अब इसकी कोई ट्रिक वगैरह है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि असम की कैपिटल क्या हो सकती है, उसकी ट्रिक वगैरह अगर आप बना सकते हो तो बेटर रहेगा। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फॉल। इसको कैसे बना सकते हो, मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल। हाँ, अब यहाँ पर देखो को मनी देखने को मिल रहा है ना, मनी, मनी मतलब मनी, पैसे, पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ज़रूरी होते हैं, तो मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मणिपुर की कैपिटल क्या बन गई, इम्फॉल बन गई। मेघालय की बात करें, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। कैसे बना सकते हो, यहाँ पे मेगा आपको वर्ड देखने को मिला होगा, तो मेगा किसका नाम होता है, लड़की का नाम होता है ना, तो लड़कियों के लिए हम शी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे शी आपको देखने को मिल रहा होगा, तो मेगा लड़की है तो हमने शी यूज़ कर लिया, तो मेघालय का शिलोंग बन गया। आगे चलते हैं मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम की कैपिटल क्या है, मिजोरम की कैपिटल यहाँ पे एज वाला है, तो यहाँ पे कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पर भी आपको आइजेड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको आइजेड देखने को मिल रहा है, तो ये भी कॉमन हो गया, इसको भी ऐसे कवर कर सकते हो। नागालैंड की बात करें, नागालैंड की कैपिटल क्या है, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। कैसे याद रख सकते हो, अब यहाँ पर कहा गया नागा और लैंड, मतलब नागों की ज़मीन है वो, वहाँ पर नाग आते हैं बड़े बड़े, तो कहते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं जाना, वहाँ पर कोई भी नहीं जाना, वहाँ पर नाग रहते हैं बड़े बड़े, तो नागों की लैंड में कोई भी नहीं जाना, इस तरह से कहा गया। अब यहाँ पे हरियाणा की बात करो, पंजाब की बात करो, उनकी कॉमन कैपिटल है वो कौन सी है, चंडीगढ़। तो यहाँ पे ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सबके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हरियाणा पंजाब की सेम कैपिटल है, कौन सी है, चंडीगढ़, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। अब कैसे याद रखोगे, मतलब इसकी ट्रिक भी आप मुझे बताओ, एक आपने मुझे इसकी ट्रिक बतानी है, एक असम की ट्रिक बतानी है, एक टास्क आपको मैंने ये दिया, एक टास्क ये दिया, आगे और भी टास्क दूंगा। आगे चलते हैं बिहार की, बिहार की कैपिटल क्या है, बिहार की कैपिटल है पटना। अब किसी बिहारी से पूछा गया, बिहार वाले से पूछा गया, बताओ भाई तुम्हारी कैपिटल क्या है, अब वहाँ पे ये नहीं बोलते हैं पता नहीं, वहाँ पे बोलते हैं पता ना, मुझे ना पता, ठीक है, इस तरह से बोलते ना, तो बिहार की कैपिटल पता ना, हमको नहीं पता भाई बिहार की कैपिटल क्या है, ऐसे याद रख सकते हो, कुछ भी ट्रिक्स बना रहा हूँ बट फिर भी याद करने के क्या पता काम आ जाए। हिमाचल प्रदेश की क्या है, हिमाचल प्रदेश की शिमला। अब यहाँ पर भी आपको हिम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको हिम देखने को मिल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश की क्या कैपिटल होगी, शिमला कैपिटल होगी। झारखंड की बात करें, झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। आपको मैंने बताया था ना कि आपको हर खंड में, हर टुकड़े में आपको रनिंग करनी चाहिए, तभी आप एथलीट बन पाओगे, तभी अच्छी रनिंग कर पाओगे, तो हर खंड में
हर टुकड़े में रनिंग करना स्टार्ट कर दो। सॉरी, आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की है भोपाल। आप कैसे याद रख सकते हो मध्य प्रदेश की कैपिटल को? अब यहाँ पे मैड देखने को मिल रहा है ना, मैड मैड था वो पल, कोई पल होगा आपके लिए मैड पागलपन में रहा होगा ना, तो मैड था वो पल जिसके बात कर रहे हो, इस तरह से याद कर सकते हो। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? कर्नाटका की है बेंगलुरु। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? अगर आपको बेंगलो बंगलो वगैरह बनाना है, देखो क्या कहा गया भाई, नाटक मत कर, ड्रामे मत कर, नाटक मत कर, बंगला बनाना तो बना ले, फालतू के ड्रामे मत कर मेरे सामने, इस तरह का बना सकते हो। राजस्थान का क्या बना सकते हो? यहाँ पे राजा है ना, राजा क्या कहते हैं, राजा की जय हो, राजा की जय हो, क्योंकि आपको जय देखने को मिल रहा है, राजा की जय हो, इस तरह से बना सकते हो। महाराष्ट्र का क्या है? मुंबई, महान राष्ट्र मुंबई, ऐसे बना सकते हो। एम से महाराष्ट्र, एम से मुंबई, यहाँ पे तो डिफिकल्टी हो गई नहीं। आगे चलते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई मुझे गाना सुना दे, भाई मुझे गाना सुना दे, तो उसने क्या कहा, थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा, थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा, तो देर बाद सुनाऊंगा ना गाना, तो ऐसे बना सकते हो। और आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी फिलहाल हैदराबाद ही है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद 2024 में शायद वो अमरावती हो जाएगी, ठीक है। यूपी की कैपिटल की बात करें, यूपी की क्या है? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर दो मुझे, जिसका लक होगा अच्छा वो अभी के भी उत्तर दे देगा, अभी के भी आंसर दे देगा। तो उत्तर कौन देगा, आंसर कौन देगा? जिसका लक अच्छा होगा वो मुझे आंसर दे देगा। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की क्या है? देहरादून। इसका भी आप मुझे बताओ, हालांकि ये इजी है, ये कोई डिफिकल्ट वगैरह नहीं है, उत्तराखंड आपने नॉर्मली सुना होगा इसके बारे में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? वेस्ट बंगाल की है कोलकाता, ये भी आप सभी ने सुना ही होगा। उड़ीसा की बात करें, भुवनेश्वर, यहाँ पे भी डिफिकल्टी आपको नहीं रहने वाली। अब जो हम ये तो हो गए ना, हमने स्टेट डिस्कस कर ली, एक और है कि केरला, केरला के क्या है? थिरुवनंतपुरम। अब ये इतनी बड़ी कैपिटल है, ये केरला की इतनी बड़ी कैपिटल है, तो पहले केला खाओ फिर इसका नाम लो, ऐसे नहीं लिया जाएगा इसका नाम। इतने बड़े आपको नाम लेना है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ना पहले, तो पहले केला खाओ उसके बाद इतना बड़ा नाम लेना, ठीक है। जहाँ भी बड़ा नाम देखेगा वहाँ पे कैपिटल किसकी होगी? वो केरला की कैपिटल होगी। ये थे स्टेट और उनकी कैपिटल। अब जो यूटी और उनकी कैपिटल है ना, वो मैं आपको सिंपली बताऊंगा, वो आप ऐसे याद करना, यूटी हैं कितनी, 8 तो यूटी हैं वहाँ पे, ट्रिक सही है आपको। अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करें, कौन सी कैपिटल है? पोर्ट ब्लेयर। ये सारी यूटी हम डिस्कस कर रहे हैं। चंडीगढ़ की बात करें, क्या है? चंडीगढ़ की कैपिटल है। दादरा नागर हवेली की या दमन एंड दीव की बात करें, क्या कैपिटल है? पहले अलग थे, इनको कंबाइन कर दिया है। इनकी क्या कैपिटल है? इनकी कैपिटल दमन ही है। लक्षद्वीप की बात करें, कावरवती। दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली, यहाँ पे किसी तरह का डिफिकल्टी वगैरह नहीं रहने वाली। पुडुचेरी की बात करें, वही है पौंडीचेरी। देखो इसकी भी यही है, चंडीगढ़ की भी यही है, दिल्ली की भी यही है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी तो कोई है नहीं। लद्दाख की बात करें, दो हैं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के दो हैं, वैसे लद्दाख के भी दो हैं, एक लेह है एक करगिल है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको पता ही है, जम्मू भी है श्रीनगर भी है। अब यहाँ पर देखो आपको बताना चाहूँगा, इतना तो कवर कर लिया। हमारा जो इंस्टाग्राम है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, हमारा ट्विटर भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, टेलीग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, बट टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम में डिस्कशन वगैरह चलती रहती है, 2 घंटे का चैट टाइम रहता है, वहाँ पर आप भी डिस्कशन कर सकते हो। किसी तरह का डाउट रहता है आप भी वहाँ पर पूछ सकते हो, हालांकि वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, बट कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रहता हूँ। तो टेलीग्राम में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे कॉपरेट कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, तो वहाँ पर डिस्कशन वगैरह ज़रूर करना, ठीक है। और यहाँ पर हम हमेशा यहाँ पर 2000 लाइक का टारगेट रख के चलते हैं, मुझे उम्मीद है वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।